जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। शारदा बिटिया, ऐसा स्थिति में मंदिर आयल ना भूलू, देखिए तहरा तपस्या के फल जरूर मिली। पंडित जी, आज तक हम अपन जब तप में कोनो कमी न रखी, न जाने काहे भगवान हमार परीक्षा लेत। भगवान पर भरोसा रखा, आपके छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा जरूर मिली। ए पंडित जी, भगवान के दुआ से राउर बात सही होखे, ना तो अब कियो को अनहोनी भयल नू तो शारदा के साथ हमहू टूट जाए। पंडित जी खुश रहे। जी 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 पंडित जी। अरे शारदा, शारदा, शारदा का? अरे शारदा समारी हमरा। घबराओ मत शारदा, हम तोरा के हॉस्पिटल लेके चलते हैं। सब कुछ ठीक हो जाए। तू चिंता मत करा, माता रानी चाहिए ना तो सब कुशल मंगल होगी। अरे भैया कैसे ना चिंता करी, तू जाना तरह कि हमार तीन गो संतान तब पहले ही मर चुकल बा, चौथा बार शारदा माई बने वाला बड़ी, पता ना अब की बेर माता रानी का करियन। एक कैलाशनाथ बाबू, केवल दुल्हीन एगो स्वस्थ बच्चा जन्म देवे, जे तहरा के बाबू जी हमारा बड़का बाबू बोले। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब का भेल? केदारनाथ जी, राहुल बेटी के बचाव के पूरा कोशिश करनी, लेकिन हम बचा ना पौनी। कैलाशनाथ, ए कैलाशनाथ, ए कैलाश, ए भगवान, पता ना कौन पाप हम कैले बानी जे थावे वाली माता रानी हमरा के इतना कष्ट देता नी। अरे चुप हो जा कैलाश, हिम्मत रखा बाबू, हिम्मत रखा, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। हम मानत आनी कि शारदा के पूजा पाठ में कोनो कमी ना भइल होखी, पर कहीं ना कहीं हमरा के लागत आ कि प्रार्थना में जरूर कुछ कमी भइल होखी, न तो माता रानी आपन भक्तन पर ऐसे कैसे कठोर हो सकीली। ए दीदी, अरे तब हमनी के का करी बतावा ना, हमार शारदा त माता रानी के सारा व्रत कैली, सारा पूजा पाठ कैली, अरे गरीबन के तो दानो कैली दीदी, लेकिन पता ना हमनी से ऐसन कौन गलती हो गल कि माता रानी हमनी के इतना बड़का इतना कठोर सजा दे रहल बड़ी। देखा कैलाश, कबो न कबो अनजाने में हमनी से गलती हो जाला, जेकर अंजाम हमनी के पता भी नहीं थी, पर तू चिंता मत करा, माता रानी जौन सोच ले होगी अच्छा ही सोच ले होगी तोहरा बारे में। देखा है दीदी, अब ओकर माय बाप के ओकर संतान से बड़ा सुख दूसर और का हो सकेला, बतावा ना। ए कैलाश, ऐसे हिम्मत ना हारे के चाहिए भाई, ऐसे हिम्मत हार जाइबा तो दुल्हन के का होगी। हाँ, अब तोहरा के ही इनकर हिम्मत बने के पड़ी है कि ना। हाँ, एक काम कर, तोहरा के याद बा भैया, जब सुलोचना के पैर भारी रहे तो सबसे पहले थावे वाली माता के मंदिर में जाके आशीर्वाद ले ले रहे, और तू भी कौनो न कौनो तोहरा से गलती भइल होई तू भी मंदिर में जा, माता थावे वाली से प्रार्थना करा, जरूर माता रानी तोहरा के माफ कर दी है और शारदा के गोद भर दी है। ठीक कहा ताड़ू दीदी, तू एकदम ठीक कहा ताड़ू। जय जय मैया थावे वाली, बहुत
शारदा, ये बच्ची ना हम नीन के हा माई के आशीर्वाद, लेकिन हम एकरा की अपन सीना से लगाई, कलीजा में ठंडक पड़ गई। आज से बच्ची हमनी के हा। ना बेटा, ना 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 ना, इकर काना रखल जाई। ए शारदा, हमनी के थावे वाली माई के कृपा से ही बच्ची मिलल है। अरे उनकरे प्रसाद है, ऐसे आज के बाद एकर नाम भवानी रही। ओले हमार बाबू, ना 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 बेटा, अले ले अले ले ले ले, ना ना का देवर जी, चुप हो जा। जब ले रहुआ ये बच्ची के बारे में कुछ जानब ना, तो एके संतान के दर्जा कैसे दे सकेली? हमार मतलब बा, एकर जात का बा, धर्म का बा, ये सब बिगड़ चल ले, एके कैसे अपना सकेला? अरे जायदा, ए भाभी, अरे साक्षात माता रानी हमनी की झोली में बच्ची के डरले बाड़ी। इ जात पात ते इंसान के बनावल चीज है ना भाभी, और माता रानी इ बच्ची के हमनी के संतान के रूप में देले बाड़ी। आज के बाद इहे बिटिया हमनी के संतान के रूप में रही। हमो देखब कैसे रही। तोहर भाई के तो दिमागे खराब हो गई, बच्चा के लालच में बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे सड़क के धूल सड़के में अच्छा लागेला, उसे माथे में तिलक ना लगावल जाला। देखा सुलोचना, हाई माटी से नफरत ना करे के चाहिए। हम देखले बानी जे माटी से नफरत कैले बाना, वो माटी में मिल गई बा।
खरबूजा के देख के खरबूजा रंग बदलेला, ये तो सुनले रहनी। बाकी तू गिरगिट के तरह काहे रंग बदल रहल बड़ा? ना जाने कौने पाप की उपज हिया, केकर गंदा खून दिया। तू चिंता काहे करत बाड़ू सुलोचना, भले बेटी संतान के कमी पूरा कई दे, लेकिन वारिस तो बेटा ही बनी ना। बेटी तो पराया धन होखेली। अरे भवानी के शादी कर दे हब, तू अपने ससुराले चल जाई और फिर इस जायदाद पर अपने बेटवे ने राज करी। ये छोट बात तुहर माथा में ना घुसेला। अरे वाह, हाँ ये बात तो हमरे दिमाग में आई पे ना कहीं कि भवानी जाई ससुराल, हाँ और हमार बेटा की मिली माल, हाँ वाह, अब आई समझ में। बहुत देर से तू समझ लू। हाँ। जा हमरे खातिर को गरम गरम चाय बना के ले आवा। अरे चाय का पकौड़ा भी लेके आवा। अरे वाह 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 वाह, हे भगवान, ये बीवी बनावत समय रहुआ के वो रिमोट भी बनावे के चाहत रहे, जितना दब होते बीवी अब। के आयला? लगत है दीदी आयल है। प्रणाम। कैसन बानी? हम ठीक बानी, तू कैसन बाड़ू? हम ठीक बानी। अरे दीदी, अरे कहले रह तू तो स्टेशन ले आवे आगे रहती ना। अरे कैलाश, अभी हम जवान बानी, जब बुढ़ा जाइब ना तब तोहरा हम व्हाट्सएप कर दे। सब ठीक बा ना? हाँ। और तू सुलोचना, अरे तू कैसन हो? लौकत नहीं का कैसन बानी? अच्छा, हमार बच्चा लोग लौकत नहीं खे, अब बिटिया रानी कहाँ है? अरे दीदी अंदर ही बाबू लावत है। भवानी देखा बुआ आइल बानी। बुआ 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 कौन लगता? अरे बेटा, अरे हमार बच्चा लोग, हाँ सब ठीक बाना? बानी हम तोहरा खातिर, हाँ हम तोहरा खातिर ना। हाँ ये देखा, नथुराम हलवाई के पेड़ा लेके आई है। बुआ हमार खिलौना? अरे बेटा हम खिलौना लावे भुला गई नी। अच्छा रुका, अरे देखा रुका, इला तू हमरा गांठ से पैसा और जाके तू दोनों जने अपन मन पसंद के खिलौना ले ली है बेटा, ठीक बा? हाँ बोला बिटवा, क्या चाहिए? बताओ था चाचा। बताओ बताओ, एकदम बढ़िया बढ़िया सब खिलौना बा। ओ ये चाहिए? हाँ इला बेटा ऐसे घर से खींचिया और चल जाए चकाचक इला। बिटिया तोहरा कुछ पसंद आईल ना? चाचा हमके कुछ समझ में ना आवत बा। अच्छा, एगो खिलौना पसंद करे में इतना टाइम लगता तोके, तो दूल्हा पसंद करे में कितना टाइम लगी तोके बिटिया? हमर दूल्हा हमर बाबूजी पसंद करी हैं। अच्छा 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 बिटिया, ये तो बहुत ही बढ़िया बात बा बिटिया, बहुत अच्छा नीक विचार बा बिटिया तोहार। चाचा हमके ऊ चाहिए। अच्छा ई चाहिए? ला दीदी। हाँ ई लोग थोड़े दिन में खिलौना तोड़ दी, तू ऐसन कैल करा, तू एकनी के पैसा मत दिहल करा, पैसा हमके दे दिहल करा, हम गुल्लक में रख दे। सुलोचना, जब देखा तू पैसा पैसा करत रहे, अरे पैसा के चक्कर में लैका लैकियन से इनकर बचपना मत छीना। वाह बेटा, बड़ा सुंदर गाड़ी लेके आई बड़ा। हाँ। ए पे बिठा के अपन दुल्हन लेके आई है। हाँ? ला आ भवानी, आ बेटा, का लेके आयल बाड़ू? और का लेके आयल हुई? चकला बेलना ये गुल्ला करके बागे चल के। अरे बिटिया, अरे तेरी देखे था बढ़िया। हमार बिटिया का लेके आयल बाड़ी? अरे बिटिया बढ़िया बा। ए शारदा, देखा था ये हमार बिटिया कितना श्रद्धा से खिलौना के बदले ही थावे वाली माता के फोटो लेके आयल बिया हो। ए बिटिया, अरे थावे वाली माता तोरा हमेशा खुश रखस बिटिया, हमेशा खुश रखस। जय थावे वाली माता।
जय जय मैया, जय जय मैया, जय जय मैया, जय जय, जय जय मैया, जय जय मैया, जय जय मैया, जय जय। भगतन पे अपने तो हो खेलू सहैया हो, भगतन पे अपने तो हो खेलू सहैया हो। महिमा अपार तो हर ठावे वाली मैया हो, महिमा अपार तो हर ठावे वाली मैया हो। सुनाम के परलय कालत घास गढ़ी के पहुँचे न उपरैले, माई के कृपा से रहसु बाघ से दवरी करैले। यह घटना के चर्चा बड़ा दूर दूर ले गईल, राजा मनन सिंह जन लेता उन्हों के अचंभा भइल। रहसु के बुलवाई मनन सिंह जब ले दे बिना बुलैबा, तब ले यह पाखंड के जुर में रहसु मारल जइबा। बीच भवर में परल रहसु के नैया हो, महिमा अपार तो हर ठावे वाली मैया हो, महिमा अपार तो हर ठावे वाली मैया हो। सक करना भक्ति पातू शक्ति रूठ हो जाए। राजा के जिद पे रहसु माही के ध्यान लगैले, भक्ति के लाज बचावे खातिर माई के गुहरैले। कमरु का माख्या से चल के माई कलकत्ता में आईली, रहसु से कही के ऊचे तावनी राजा के हो धरवली। पटना में आ गईली माई रूप विकराल बनवली हो, अब ते था में रहसु के सर चीर के हाथ दिखवली हो। नास हो गईले राज पाठे और राजा के राज सहिया हो, महिमा अपार तो हर ठावे वाली मैया हो, महिमा अपार तो हर ठावे वाली मैया हो। आखिरी घर में चलत कब, जमीन खरीदाता तो भवानी के नाम से, गाड़ी खरीदाता तो भवानी के नाम से। अरे हमके तो डर बा कौने दिन तोहर भाई ई घर बेच के अपनी के हाथ में कटोरा ना दे दे कि बाहर जाके भीख मांगा। भीख? हे माई, भीख काहे मांगे के पड़ी? हमनी के लगे इतना जे खेत बा, खेती करके पेट पाल लिहल जाई। अरे पेट तो कुत्तो पाले, बाकी तू हमार बेटा हुए, तू खेती बाड़ी ना, तू राज करबे राज। अरे तू बेकार के अपन बीपी बढ़ा रहल बाड़ू। कैलाश जे करत अरे एकदम सही करत अरे, वो पवन और भवानी के नाम दोनों बराबर बराबर करत बाड़े। खबरदार खबरदार जे वो अनाथ के हमरे बेटा से तुलना कईला, पता ना वो कौन मनुष घड़ी रहे जो अनाथ लड़की तोरे भाई की। अभी तनी जवान संभाल के बात करा, समझ लू की ना, भवानी ये घर में अनाथ नहीं खी, जितना अधिकार है घर में पवन के बाद हूँ उतनी भवानी की भी भाई, बात समझ लो भाई साहब। लेकिन हम तो तू कुछ मत कहा भाभी, कुछ कहबे मत करा था।
एगो बात खूब बढ़िया से समझ लो, भवानी से भले हमनी के खून के रिश्ता ना होके, लेकिन हमनी के रिश्ता मन के बा। खून के रिश्ता बदल जाला लेकिन मन के रिश्ता ना बदलेला, ई बात जान लो। दीदी, भवानी और हमार रिश्ता भगवान जोड़ ले पारे, और भगवान की जोड़ल रिश्ता इंसान कबू ना तोड़ सकेले। और एगो बात कान खोल के सुन लो, तू लोग कान खोल के सुन लो, भवानी हमनी के लिए सगी बेटी से भी बढ़ के बिया। आज तक भवानी की महसूस हमनी के ना होके देनी कि भवानी हमार अंश नहीं है। अगर आज के बाद कोई भी ओकरा अनाथ कहलस नू तो हमरा से बुरा कोई ना, ये समझ ल तू सारा लोग। बाबूजी, यह बात हम माई के समझावत रही कि भवानी हमार बहिन है। अरे सीखा भाभी, कुछ तो अपना बेटा से सीखा, कुछ तो संस्कार ले ला अपना बेटा से। देवर जी, हम एगो माई बानी, हर माई चाहे अपन बेटा के भला, रउआ तो हर चीज भवानी के नाम पे कर देता नी, पवन राहुल खातिर कुछ नहीं के। बड़की माई, देखी पवन भैया ही घर के वारिस रहलन, बाड़े और रही है, पर बेटा नहीं। माई, रउए कहत रही ना कि बेटी पराया धन होके ली, एक न एक दिन बाबूजी जहाँ हमार शादी करा दियन हम वहाँ चल जाई, ओकरे बाद हमार सब कुछ पवन भैया की तह। बड़की माई, रउआ परेशान मत होगी, हमरा जाए से पहले आपन सब कुछ भैया के नाम करके जाई। बेटा, ये सब बाबूजी तोरे खातिर बनौले बानी, ताकि तोरा के कब्बो कोनो चीज के कमी ना होके। माई, रउआ का चाहता नी, हमसे जे शादी करे वो हमके और हमार संस्कार के देख के करे, ना कि हमरे पैसा और जायदाद के देख के करे। नहीं बेटा, सच्चा जीवन साथी वो होला जौन प्यार के धन से ना मन के तराजू से तौले। अच्छा, अभी अदालत ये बर्खास्त कर जात बा, ठीक बा? ठीक बा। माई, हम जाता नहीं। माता रानी, हमार बेटिया बहुत भोली भाली बा, ओकरा खातिर अपन पराया सब एक जैसन रहेला, पर आज के युग में ऐसे भोलेपन के सब केहू फायदा उठा लेवेला। माता रानी, बस आपसे एगो प्रार्थना बा, हमार भवानी पर आपन आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिया। बलवंत बाबू, अबहिन राहु शनि पर भारी बा, बुध बृहस्पति के साझेदारी बा, तबे हमार ज्योतिष विद्या जारी बा, अगर हमार बहन बाहर आ जाइए ना तो पूरा के पूरा विनाशकारी बा। लीनर हुआ रवोली तू ले ला बहनी आ गई। हाँ दुर्गेश्वरी, ई बड़े हमनी के मित्र बलवंत सिंह रामपुर गांव के जमींदार बड़े, ई अपन बेटी के ब्याह शेखर से करे के चाहत बड़े। दुर्गेश्वरी जी, हमार बिटिया गाय बा गाय। आए, ऊ कवन घास खाई वाली का? अरे महाराज, हमारा शेखर के लईकी चाहिए, लईकी गाय हो ना चाहिए, हमरे बहुत गाय बा। हमार मतलब बा, हमार गुड़िया बहुत संस्कारी बा, जौन घर में जाई घर स्वर्ग हो जाए। अच्छा, और दीदी हमने स्वर्ग सिधार जाए, स्वर्गवासी हो जाए। ठाकुर साहब, वैसे रुआ के बेटी कितना पढ़ा लिखल भी है? पढ़ा लिखा के कौन हमनी के कलेक्टर बनाओ के बा? भगवान के दिहल सब कुछ बा। मतलब टीप बा का? ओकरा के खाना बनावे ता आवे ला ना? वो बनावे ली ना, सिर्फ खाए ली। खाना बनावे खातिर घर में 10 गो नौकर चाकर बा। पूजा पाठ तो जनते हुई, कई लेत हुई। दोपहर 12 बजे के पूजा पाठ करेला? अरे महाराज, का तोरे गांव में सुबह ना होला का? मतलब रउआ अपने बेटी का खामी ऐसे बतावता नी जैसे खूबिये गिनावता नी। रउआ के बेटी के शादी के ना सुधार के जरूरत है। दुर्गेश्वरी जी, चिल्लाई मत, अगर चाय नाश्ता रुवा कर ले ले हुई
जा सके नी। ठाकुर साहब बहुत बेइज्जती करे नी, बेइज्जती करावे खातिर हमरा के बोलो नी, हम ऐसे से जाता नी। अरे अरे दीदी हमरे मन के कहलो, जब से हम एकरा के देखनी है ना तब ही समझ गई नी, खाए वाला दांत कुछ और दिखावे वाला दांत कुछ और। बनवारी हम पास के गांव से तनी जमीन के काम से जाते। दीदी ना 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 ना, दो ही मिनट रुका, आसे पास राहू मंडरा था। हाँ तहरे कारण राहू ही घर में मंडरा रहल बा। चुप करी, भाई के मजाक मत उड़ाई, उ यहाँ रउआ के और हमरे भलाई खातिर पड़ल है, समझ में आयल बात? बहुत भला इंसान बाड़े। अब शेखर, शेखर कहीं दिखाई नहीं दे, बाहर गेल बा का? दीदी हम पढ़ल चाहते नहीं, अब इतना भी पैसा ना बाकी हम हर महीना जमा कर सकी। पहले हमार माई हमरा के पढ़ावत रहे, अब हमार माई बीमार भी है, यही खातिर हम मांगते नहीं। अब हर महीना की कितना फीस बा? 350 दीदी। इला लागे देखला पे पियर पियर सरसों फुलल, पियर साड़ी के आर फल पीको लगल, लागे देखला पे पियर पियर सरसों फुलल, काजर सिकिया के लिकिया से दिहले हो है दुधिया, है दुधिया गोराई सुखराई जान, कोई सिखिल ले हूँ की छिन ले हूँ, हई हो ठावा के मीठ मुस्कान, कोई सिखिल ले हूँ की छिन ले हूँ। तोहरा के देखी मन रहेला नाही मान में, गोड़ी बाटे भुइया दिलवा उड़े आसमान में, तोहरा के देखी मन रहेला नाही मान में, गोड़ी बाटे भुइया दिलवा उड़े आसमान में, लागे कसिया में बजरा के बनले हूँ है दुधिया, दुधिया गोराई सुखराई जान, कोई से किन ले हूँ की छिन ले हूँ, हई हो ठावा के मीठ मुस्कान, कोई से किन ले हूँ की छिन ले हूँ। चाल तो हर सुगनी के बोल हो, जियारा में मिश्री के रस देता घोल हो,
के चाल तो हर सुगनी के बोल हो, जियारा में मिसरी के रस देता घोल हो, चूड़ी खन का बिजली गिरब ले हो, है दुधिया सुखराई जान, कोई से किन ले हऊ की छिन ले हऊ, हई हो ठावा के मीठ मुस्कान, कोई से किन ले हऊ की छिन ले हऊ। पंडित जी, हम सुनले बाड़ी की माता रानी के दरबार में जे के हो मन्नत लेके आवेला, ओकर मन्नत जरूर पूरा होखेला। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही सुनले बाड़ा। तो पंडित जी, हम आज एगो मन्नत लेके आयल बानी, उकाबा न की हमें वो लड़की से प्यार करेनी। अच्छा बेटा, तो ये बात तो हर समस्या ना पंडित जी, हमार समस्या ई ना बा। हमार समस्या ई बा कि हमके उनका नाम तक पता नहीं खे। तो बेटा, इमें हम तुहार कोनो मदद नहीं कर सकत, काहे कि हम पुजारी बानी, कोनो लव गुरु ना। अरे पंडित जी, रउआ महान बानी, कदरदान बानी, हम तो कहत बानी रउआ ई गांव भर के ना पूरे देश के आन बान शान बानी। उ काहे ना बेटा, उ तो हम बरले बानी, बाकी हम तुहार मदद कैसे कर सकीले। उ लड़की के देखले बाड़ा, अरे ओकर कद काठी कैसन रहल, मोटी रहल कि नाटी रहल, लंबी रहल या कि गोर या करिया रहल। पंडित जी, हम उनकरा बारे में ढेर तो नहीं खी जानत, लेकिन हम इतना जरूर कह सकेनी कि लंबाई में वो 5 फीट 5 इंच रहे, वजन में वो एकदम टाइट रहे, देखला में वो एकदम वाइट रहे। वो हमारे जिंदगी में ऐसे ना आई जैसे कोनो लड़की ना वो कोनो डायनामाइट रहे। वाह बेटा, तू कितना बढ़िया वर्णन कर रहल बाड़ा। बाकी जो ना लड़की के बारे में तू बात कर रहल बाड़ा ना, ओसनका लड़की ए गांव में एक्के गो बा। के बा पंडित जी? वो हम बानी। पंडित जी, माता रानी के दरबार में हम सुनले रहली कि मन्नत जरूर पूरा होखेला, पर इतना जल्दी मन्नत पूरा हो जाए वो हमरा के पता ना रहे। ज्यादा नाटक करके जरूरत ना बा, हमरा के सब पता बा। हम कई दिन से देख रहल बानी तू हमार आते जाते पीछा कर रहल बाड़ा। देखी, हमके तोहार नाम तो पता नहीं खे, लेकिन हम अपने नाम के आगे तोहार नाम लिख सकेले। का हम अपनी शादी के कार्ड पे तोहार नाम लिख ली? लिख सकेला, लेकिन कार्ड के अंदर ना, कार्ड के बाहर, दुल्हन की जगह ना मेहमान की जगह। पर काहे? आखिर का कमी बा हमरे अंदर? अच्छा खानदान से बानी, पढ़ल लिखल बानी, और सब हमके कहेला कि हम बहुत हैंडसम भी बानी। देखा, हम तोहर और आपन दोनों के टाइम बर्बाद नहीं के कहल चाहत, और हम की प्यार व्यार के चक्कर में नहीं के पड़े के बा। हम वही शादी करब जहाँ हमार बाबूजी कहीं है। कहाँ चल गई? अपन नाम का बतौला है? शेखर। नाम तो सुन नहीं हो खब। शेखर? अरे हमरे घरे जोन गाय भैंस चरावे जाला ना, तो उना के नाम शेखर है। बोल ला, तो हम अपन सार ना बनोली ना, तो हमरो नाम शेखर ना। कुछ सोचे था नहीं कहा? कुछ ना। दुर्गेश्वरी देवी और प्रताप सिंह के नाम तो सुन ले हो खब। दुर्गेश्वरी देवी के बेटा हुआ? हाँ दुर्गेश्वरी जी, जिनकर 500 एकड़ जमीन, 4 गो राइस मिल, 20-20 को ट्रक और पता न कितना दुकान और का का। जी, इतना तमोक नहीं के पता, पर हम नहीं के बेटा हैं। हाय देखी, रउरा आपन संपत्ति के बारे में कुछ पते नहीं के, और हमरे माई के देखी, दूसरा के जमीन जायदाद ट्रक गाड़ी मिल सब पता हमरे माई। ठीक है। ए बेटा, तू एजा का करे आइला? जी भगवान के आशीर्वाद से नाम शोहरत सब हमरे लगे बा, बस एगो प्यार करे वाली चाहिए।
25 साल लेट कर देला है बाबू। अरे भाग्यवान, हाय मेहरारू खोजे आइल बाड़े। माई ना, माई तो इनके पास पहले से बिया। रउआ चुप करी। ए बेटा, तू चाहत का बाड़ा? देखी, हमरा के घुमा फिरा के बात करे ना आवे। ये घर में एगो लड़की बाड़ी, हमरा के उनका नाम तो नहीं पता, पर हम उनकरा खातिर हम अपन नाम और पहचान सब भुला सकीले। ये बानी उलेकी, जब से हम इनकरा के देखले बानी, हम खुद के भूल चुकल बानी। और दिन रात बस इनकरे बारे में ही सोचत रहेनी। अच्छा। 3 दिन से ना हम कुछ खा पावता नहीं और ना ही कुछ पी पावता नहीं। और जब हम इनकरा से अपने प्यार के इजहार कही नहीं, तब पता चलल कि कपड़ा तो अपने मर्जी से खरीदे ली, लेकिन शादी तो अपने बाबूजी की मर्जी से करी है। यही खातिर हम रहुआ के पास चले नहीं। हाई हमार कार्ड है और एहमे ई हमार नंबर है। हम जाना तानी कि बेटी के जिंदगी के इतना बड़ा फैसला लेहल आसान ना होला। रहुआ अपन टाइम ली और जब रहुआ के लाग जाई, हम रहुआ के बेटी के खातिर परफेक्ट बानी, हम के नंबर पे फोन कर दें। हम अपने माई बाबूजी के साथे आ जाए शादी के बात करे खातिर। ठीक बा? तुहरा घर बा ली चाय। आज हम के चाय ना नमकीन खाए के मन बा। अरे 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 बेटा छोड़ा, अरे अरे बेटा छोड़ा, अरे हम ही बाप, हम तो हर बाप है प्रेमिका ना। बाबूजी रहुआ वो कहाँ गई ली? वो के? क्यों ना बाबूजी? अच्छा अच्छा, माना तनी बेटा कि तू बहुत जवान हो गई बड़ा, बाकी तालाब और स्विमिंग पूल में कुछ तो फर्क समझा। अच्छा बतावा वो के हिया? बाबूजी केकर बात कर रहल बानी। वाह बेटा, आम कितनो बड़ हो जाए लेकिन रहेला डार के नीचे ही, वैसे ही तू कितना भी बड़ हो जा लेकिन रहब तो हम तहर बाप ही। बतावा के हिया? बतावा, अरे बतावा के हिया? बतावा तो, हां बतावा, तनी छोड़ छोड़ बाबूजी। हम ओकरा से पहली बेर मंदिर में मिलल रहली और ओकरा के पहली बेर देखते ही ना हमके प्यार हो गई। हम ओकरा से अपने प्यार के इजहार भी कहेंगे और कहने की हम शादी करब तो अपने बाबूजी की मर्जी से करब। फिर हम उनकरे बाबूजी के लेके गई नहीं और उनकरा से हम अपन शादी के बारे में बात कही नहीं, पर बाबूजी गलती हो गई बा, वो ऐसा भइल कि हम ओकर नाम ना पूछ पाए। वाह बेटा, पूरा रामायण के कहानी सुना गईला बाकी लेखी के नाम ना पूछला। वो काबन बाबूजी पहली बेर रहल ना तो थोड़ा नर्वस हो गई रहनी। हाँ,
कौनो बात नहीं है बेटा, तहरा होकर घर मालूम बा ना। हाँ, नाम पता कर ला। बाकी हम तहर माई से जाके बात कर ले। रहे दी बाबूजी, हम रउआ के भरोसे रहब ना तो पूरी जिंदगी कुंवारे रह जाए। तहरा का लगता कि हम तहर माई से डरे नहीं बाबूजी। रउआ हमसे पूछ रहल बानी कि हमके बता रहल बानी, अगर रउआ में हिम्मत बा तो चली हमरे संगे और माई से बात करके देखी। ठीक बा बेटा, आज हम तहरा के दिखा देब कि शेरनी भले ही शिकार करेली, बाकी जंगल के राजा था शेर ही होला। काबल बाबूजी, रउआ तो अपने आप के शेर कहत रहनी, दो कदम पीछे कहा चले नहीं। अरे बेटा, हम शेर तो बानी, वो कहा है ना कि शेर शिकार करे से पहले तू देख पीछे ले ले वेला। ऐसे चली चली आवा। दुर्गेश्वरी, अब हमरा रउआ से एगो बात करे के बा। हमू के रउआ से एगो जरूरी बात करे के बा। उका बात बा, शेखर बड़ा हो गेल बा। अब एकर ब्याह का उम्र हो गेल बा। अरे वाह 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 वाह, का बात बा। हमने दुन्नू के विचार एक दूसर से कितना मिलजुल रहल बा। अरे हमहू ये बात कहे आइल रहनी है। रउआ के चिंता करे के जरूरत नहीं खे, ये लड़की हम शेखर खातिर पसंद के ले बा। बहुत ही संस्कारी और सर्वगुण संपन्न लड़की भी है। लेकिन का भाई, लड़की पसंद नहीं के का? ना 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 ना, ऐसा बात नहीं के। लड़के के फोटो देखला से लगता कि एकदम साक्षात सरस्वती और लक्ष्मी खड़ी भी है। बाबूजी, बारे में बात करी ना? हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक बात बा, शेखर के मर्जी भी पूछ लिया जाओ। शेखर हमार बेटा है जी, ओकर पसंद ना पसंद सब हमरा के मालूम बा। और हमरा पसंद के शेखर ना पसंद त दीदी भगल तू झूठ ना बोलवाए बहना, ई गजब मत करिया वरना ई खानदान में वारी झूठे पड़ी। हम सही कहा ताड़ी, ई लड़की के बारे में सब जानकारी उपरोले बानी। ई तू जानतारी है कि ना, ई लड़की के खानदान में एगो शराब बा। एकनी के खानदान में कभो कोनो औरत के बेटा ना होखी, एकरा एको भाई ना बा। दू गो बहिन जेकर शादी हो गई बा, बड़ी बहिन के 3 लड़की और मझलकी बहिन के 2 लड़की, एको के लड़का नहीं खे। बहिनी अगर भगवती झूठ ना बोलवाए शेखर के शादी हो जाए ना तो ई खानदान में वंश खतरम पड़ जाए। का बकवास कर रहल बाड़ा? हां अरे बेटिया तो लक्ष्मी के रूप हो खेली। मानता नहीं कि बेटी लक्ष्मी के रूप होनी, बाकी अब खानदान तो बेटा ही ना आगे बढ़ा वाला। लेकिन अरे बाबूजी बात करी, मौका बहुत सही बा। माई हा? मामा सही कह रहल बाड़न, हमनी के इतना बड़ा रिस्क ना लेवे के चाहिए। बनवारी जी, लड़की वालन के खबर करदा कि दुर्गेश्वरी देवी के रिश्ता मंजूर नहीं। अरे पार बहनी, हमारे शादी के बारे में बात करें ना। ओह, अरे वो शेरवानी ना। आ दुर्गेश्वरी, हम का कह के चाहत रहने की हमें को लेकी देख ले बढ़िया। अरे मारा गजब बाड़ा, हमारा बहनी के रहते हुए आप गली गली जोन बाड़े लड़की ढूंढे जा रहा बाड़ा। अरे शर्म नहीं खिलागत? अरे बकवास बंद करा, बकवास बंद करा। हम आप बारे में ना शेखर के बारे में बात करत रहनी। अरे हम शेखर के खातिर वो लड़की देखने पड़ी। लड़की लड़की कौन लड़की? बेटा जा माई को बता दे, जा ऑल द बेस्ट। माई जा लड़की बाबूजी ना, लड़की हम देख ले पानी। वो लड़की बहुत संस्कारी बा और अच्छे खानदान से भी बा। हाँ, बहुत इज्जतदार खानदान के भी। हाँ, हाँ माई, वो हम का कहत रहनी कि एक बेर लड़की से मिल ले तू तो।
भोला बल होला एक परिवार हो, माई तो चलावे लिए पूरा संसार हो। है देखा था कितना अच्छा फोटो लगा था। हाँ हाँ। बाना, ए भवानी बेटा। जी बाबूजी। ए बेटा, हम अपना आपके बहुत खुश नसीब समझता नहीं जे तोरा ऐसा संस्कारी बेटी हमरा मिला। जानत रहो बेटी, आज के तारीख में आज के जितना बच्चा लोग बानू वो बिना अपना माई बाप से पूछ ले अपन शादी ब्याह करेला। लेकिन एगो तू बारू जे अपन जिंदगी के इतना बड़ा फैसला अपना बाबूजी पर छोड़ देले बारू। शेखर के और पूरा खानदान के बारे में हम पूरा पता कर ले बानी बेटी। शेखर बहुत बढ़िया लड़का बा, ओकर परिवारो बढ़िया बा, पूरा गांव समाज में ओकर परिवार के बहुत इज्जत बा बेटी। हमरा तो समझा के लड़का एकदम पसंद बा, लेकिन हम चाहता नहीं कि तू अपना तरफ से सोच विचार करके देखला, ओकरा बाद जन फैसला करबू मंजूर बा हमनी के। बाबूजी, रहुआ जैसन ठीक समझी, रहुआ हमार बाबूजी हैं, और एगो बाप से बढ़ के अपन बेटी के बारे में और की सोच सकेला। लेकिन बेटा, तोरा के शेखर पसंद बा ना? लेकिन माई, हम चाहता नहीं हमार जाए से पहले हम अपन सब कुछ पवन भैया के नाम कर दी। लेकिन बिटिया, ए शारदा सुन, आज तक हमार बेटी जे चली है सारा इच्छा हमने के पूरा कर लिया, तो आज भी उए हुई जन हमारी बेटी चाहिए। ठीक बा, हम जाई माई। हाँ जा, संभाल के जाइया। ए शारदा, हाँ जाना तारो, हर माई बाप के इच्छा होखेला कि ऊ अपन बेटी के कन्यादान अपन हाथ से करे, आज उस समय आ गेल बा। अरे तू उदास काहे बाड़ू, तू खुश नहीं खू का? ऐसन बात नहीं की, हमने अपन बिटिया खातिर इतना कुछ बनौली जा ताकि ओकरा की कप्पू कोनो चीज के कमी ना होखे। लेकिन अरे ओकर चिंता मत करी। अरे जे कुछ भवानी के नाम बा वो ओकरे रही। भवानी तो अभी बच्ची भी आ, और हमनी सब ओकरा मिलके समझावल जाई। हाँ अच्छा, ती खिचड़ी पक रहल बा, हमो ना पके देबी खिचड़ी। हमर बेटा के हक हम दिला के रह, चाहे केहू से मांग के, चाहे केहू के मार के। पता ना कहाँ रह गई बा, जल्दी से घरे भी जाए के बा। बात बा, इला एडवांस और इला फोटो, काम हो जाए के चाहिए। पैसा खातिर तो अपने बाप के भी मार सके ना, रउआ चिंता ना करें, काम हो जाए आपके। काम हो जाए तो बाकी के पैसा भी मिल जाए, बाकी कोनो गड़बड़ ना होके के चाहिए। भवानी के मौत हत्या ना एक्सीडेंट दिखे के चाहिए। भवानी, तू हमार बेटा के हक छीनल चाहता रू ना, अब देख तो हर डोली ना अर्थी उठी। हाँ
हमारा सिंह जैसन करेले बाकी ये गुल्लई की न मार सके। हम ओकरा गाड़ी से उड़ौही वाला रहनी पर पता नहीं बीच में का भइल की बस हमके बेवकूफ बनावे की कोशिश मत कर। अगर ये गलती दोबारा भइल ना तो तोर का हाल होखी ये तोहू के ना पता। रहुआ टेंशन मत ली, हम कुछ सोचता नहीं। अब का सोचता रे? पहले तो सर दर्द के दवा ले, फिर हड्डियन के एक्सरे कराए। बस 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 ये लायक बाड़े ते ये लायक बाड़े। बाकी हम भवानी के रास्ता से हटावे खातिर हम कुछ और सोच ले बनी। ना हमरा का एक मौका और चाहे। अब की बार देखी हा वो कुत्तन का टुकड़ा टुकड़ा करके भवानी के खिला दे। क्या कुत्तन के टुकड़ा करके भवानी के खिलाबे? भवानी का टुकड़ा टुकड़ा कर करके कुत्तन का खिला दे। ना ना ये सब कुछ करे के जरूरत नहीं की। काहे की सुई से जोन काम हो जाला ओकरे खातिर तलवार ना निकालल जाला। हमरे पास एगो प्लान बा। आज भवानी के शादी के मुहूर्त निकले वाला बा। अरे तू का शादी में जाके गोली चला दी? अरे ना रे बाबू, एकरे खातिर ता हमारे को फोन कॉल काफी बा कर तबाही खातिर। भवानी अब तो शादी के मुहूर्त ना बर्बादी के मुहूर्त निकली। बाकी हम जैसे जैसे कहते थे तू ठीक वैसे वैसे करिए बुझाई। वाह, ऐसन कुंडली बनाता कि जैसे भगवान राम और मैया सीता के रहे। छत्तीस के छत्तीस गुण बन रहल बा। गिनती के हिसाब से महीना के आखिरी तारीख में विवाह के शुभ मुहूर्त बनाता। अरे बधाई हो सब, बधाई हो सब दीदी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हेलो, सभी हमरा से इतना बड़ सच्चाई छुपोनी का का भाई कौन दुर्गेश्वरी कौन सच्चाई समधन जी? वाह रे समधी जी, रवा तो बहुत बड़ कलाकार निकलनी, एक्टिंग भी कर लेनी और हमरा के पता भी ना चले देनी। वाह भाई, इकाबत करल बन काई सरिया में सबके इज्जत उछारन बन। अरे इज्जत तो होकर न उछाल जाले जेकर कोनो इज्जत हो। और सुन, तू भवानी से प्यार कर रहे ना? कर रहे ना प्यार तू जी जान से? ए लोगन में से क्यों तो रखे बतौलस कि इनकर बेटी अनाथ बिया। अनाथ आ तू दीदी ऐसे झूठा लोग के घरे में एक मिनट भी रह पापाई बा। चला का भाई, सांप सूंघ गए, ताला बंद हो गए, कौनो जवाब नहीं के सूझा। जवाब बात दी न तो एगो बात कान खोल कर सुन ले कि कुछ भी हो जाए लेकिन दुर्गेश्वरी देवी का पतो एगो अनाथ लड़की तो ना बने ना। परमाई बेटा, अंधी चली, लूली लंगड़ी चली, बहरी चली, सब चली लेकिन जो लड़की का कोनो अता पता ना हो कब होना चली चली हते। समधन जी, समधन जी। अच्छा जजमान चला तानी। अरे तू यहाँ का खड़ा पड़ा, चला चला।
सब झूठ बात बा। अरे तू हमार बेटी हो। बाबूजी, रउआ की झूठ बोले भी ना आवेला। रउआ हमरे जैसन अनाथ के, रउआ लोग हमरे आपन सगे से भी बढ़ के बानी। पर हम इतना जानल चाहता नहीं, हमके बताई बाबूजी, हमार माँ बाप के बारे आखिर कहाँ बारे। हाथ जोड़ के विनती करता नहीं, हम भवानी से बहुत प्यार करी ले, हम उनकरा के कोनो भी परिस्थिति में अपनाई, उकरा खातिर चाहे अपने माई से बगावत काहे न करे के पड़े। देखा बेटा, शादी ब्याह सिर्फ दूगो इंसान के ना होला, दूगो परिवार एको बंधन से जुड़ेला। बेटा, तोहरे माई के खिलाफ जाके हम शादी ना करब, हमके माफ करता बेटा। तो ठीक तो हमरो एगो जीत बा, जब तक रउआ हाँ न करे तब तक हम यहाँ से कहूँ न जाए, ओकरा खातिर चाहे हम क्या अपन जान भी देवे के पड़े, लेकिन हम हार नहीं की मान सकत, हम हार नहीं की मान सकत। किस्मत में विधना कवन कलम चलावला, लाके कवना मोड़ पर तू हमके छोड़ दे हाला। किस्मत में विधना कवन कलम चलावला, लाके कवना मोड़ पर तू हमके छोड़ दे हाला। तरसे ले अखियां कैसे
फिलहाल तो हम दवा दे देले बानी। शरीर काफी कमजोर हो गई बा, आप इनके खाए पिए के ध्यान दी, न तो स्थिति बहुत ही खराब हो जाए। हम चलता नहीं। ए बेटा, ये कैसन जिद बहो? ये हमार जीत ना बाबूजी, अपने प्यार के हासिल करे के जज्बा बा। अगर भवानी हमके ना मिली तो हम अपन जान दे देव, लेकिन हम हार ना मानब। अब या तो भवानी से हमार शादी हुई या तो हमार अर्थी उठी। अब फैसला रहुआ के हाथ में बा। बेटा लेकिन तुहार माई, हो सकेला कि हमारे माई के आशीर्वाद हमारे साथे ना हो, लेकिन वो जगत जननी माँ थावे वाली के आशीर्वाद हमरा के आज जरूर मिली। खुश रहा बेटा, बहुत ज्यादा खुश रहा। और तू बेटा दूध हो नहा पुतो फला। बनवारी। हाँ दीदी। गृह प्रवेश की तैयारी करा भाई। हाँ हाँ। बेटा बहुत खुश बनी हम, बहुत 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 खुश बनी। बाकी एक बात का शिकायत बा हमरा के तोरा से। बेटा हर माँ बाप का सपना होला कि वो अपने बच्चन का शादी खूब धूमधाम से करे, और ये हक तो तू दोनों जाने हमरा से छीन लेला। तो अब हम ये चाहता नहीं कि हम खुद तू दोनों जाने का शादी इतना धूमधाम से कराएं, इतना धूमधाम से कराएं कि पूरी दुनिया जवार के पता चल जाए कि दुर्गेश्वरी देवी के बेटा का ब्याह भाई है। जी माँ जी, रउआ जैसन ठीक समझी। एक काम करें जी। जी। जब ले हम धूमधाम से लोग का शादी ना करा देते तब तक आप शेखर के अपने कमरे में सुताएं और इनके हम इनका कमरा दिखा देता नहीं। लेकिन दुर्गेश्वरी ये दोनों तो अब पति पत्नी बड़े। तू हमारे इतना सा बात ना मान सकेला? कब? ना माँ जी, हमनी के रवा के हर बात मंजूर बा। एकनी के मंजूर बा,
रुवा जाए यहाँ से, चल बेटा आवा बेटा। काहे बोलोलू है, सुनले रहनी कि दुश्मन के दुश्मन दोस्त होला, इहे से हम तोहरे आगे दोस्ती के हाथ बढ़ौनी। तोहरा के हम बतौनी उ भवानी अनाथ हिया, और तू का कहलो उ अनाथ के अपन पतो स्वीकार कर लेलू। उ हमार मजबूरी रहे। मजबूरी रहे। सुनले रहनी कि तोहार हर फैसला पत्थर के लकीर होला, बाकी तोहार फैसला तो खोटा सिक्का निकला, बहुत जल्दी पलट गई। बकवास बंद करा। हम ऊ नागिन बानी जेकर काटल पानी भी ना मांगेला सुलोचना। अगर हम गृह प्रवेश के नाटक ना कहले होइत ना, तो हमार बेटा हमरा से बगावत पर उतर जात। अभी हमरा बेटा पर प्यार के भूत चढ़ल बा, ओकरा के हासिल करे खातिर कौनो भी हद से गुजर सकेला। ओकरा वास्ते हम शेखर के जिंदगी से भवानी के प्यार का भूत हम उतारब। इतना नफरत फैलाई, इतना नफरत फैलाए कि शेखर अपने दिल और घर दोनों से बाहर निकाल देगी। ठीक बा, हम ही खुशखबरी के इंतजार करब। हम चला तनी। अगर माता के मंदिर में खड़ा होके अब माता के भक्त के बारे में ही बुरा सोचबू तो आप शगुन तो होखबे करी। के बाड़ू तू जोन भवानी के इतना तरफदारी करता रू? हम जे भी बानी, पर तू ये ठीक ना कर रहल बाड़ू, और एकर अंजाम बहुते बुरा होखी। अरे कम से कम माता के कहर से तो डरा। माता शेखर के जीवन से भवानी के निकाल के रहब, और एकरा खातिर हम इंसान से ना भगवान से भी लड़ जा। और माता रउए के सामने हमार बेटा भवानी से ब्याह कैले रहे ना, आज हम रउए के साक्षी मान के ये बात का वचन देता नहीं कि अपना बेटा के भवानी से मुक्त करके दिखाई। अच्छा चला, फिर देखा तानी एगो माता के विश्वास के जीत कि तहर अहंकार के। ठीक बा, दुल्हनिया
सन लागे हर दिन सुखी रहे घर परिवार। पल पल मिले हो पिया के सने रहनी। लेकिन तू गांधारी निकल लू गांधारी अपना हाथ पे पट्टी बांध के और यहाँ बाड़ू। अरे भवरिया जवन बा चेहरा रट के दे हमनी के ना बनवारी। छोटी मोटी जंग जीते खातिर ब्रह्मास्त्र चलावे की जरूरत नहीं के। तोरा के पता बा कि इंसान सबसे ज्यादा नफरत केकरा से करेला? हाँ, अपना बीबी से। इंसान सबसे ज्यादा नफरत ओकरा से करेला जेकरा से उ सबसे ज्यादा प्यार करेला। बना लेवे दे भवानी के सबके दिल में अपना खातिर जगह। एक दिन ऐसा नफरत फैलाई न बनवारी सब लोग ओकरा के नासूर की तरह निकाल पेगी। अरे दीदी प्यार तो तू ही बढ़ावले बाड़ू ना। उस शेखर और भवानी के बीच में लक्ष्मण रेखा क्या खींच ले पा तू? गाना सुन ले बड़े। कौन? दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। वाह दीदी वाह, आज हम मान गए नी तू हमार बहन बाड़ू। तुम बाड़ू बस बनवारी तू चिंता मत कर। आज से भवानी का उल्टी गिनती शुरू। खराब करके तू यहाँ आराम से कैसे सो सकेलू? हाँ बताओ कैसे? देखा शेखर आ गई। भवानी भवानी तू यहाँ का करल बाड़ू? ये सवाल तो हमके पूछे के चाहिए। रुआ यहाँ का कर पानी? का माई हमके प्यास लगल रहल किचन समझ के रूम में आ गई। अरे माई चला माई
माई। कहल जाला कि केहू के जिंदगी में इतना मिठास ना होके के चाहिए कि ओकरा जिंदगी में सुगर पड़ जाओ। अब मजा आए। अरे कितना स्वादिष्ट खीर बा। अरे तहर हाथ में तो जादू बा जादू। भांजे खीर खा 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 खा। हाँ मामा खाता नहीं। कैसे बा? एकदम भवानी के जैसन। मतलब तीखा ना? अरे नाना मामा तो एकदम गुड़ से भी मीठा बा। भवानी का खीर बने ले बाड़ू। अरे माई। हाँ हाँ बेटा। अरे वो खाई ना। वो तो सोचा था नहीं कि खीर ना खा सकती बेटा। काहे? वो ऐसे कि काले अभी नपली तो बीपी, अरे वो सुगर मीठा है ना, दिक्कत बढ़ जाए इतनी तो यही तो सोचा था नहीं कि। अरे दुर्गेश्वरी ये भगवान के प्रसाद बा, एकरा खैला से सुगर बीपी सब ठीक हो जाए। हाँ खा ले। वो हाँ खाई खाई। माई खा ले। जी कैसन लागल? वाकई में खीर तो बहुते बहुते बढ़िया खीर बनल बाटे। वाकई में बहुत बढ़िया बनल बा। अरे साले साहब जी आप भी खाई ना? हाँ जी जा, वो पंचांग के हिसाब से मुहूर्त नहीं के ना, बाद में खा ले। अरे पंचांग मंचांग छोड़ा, भगवान के प्रसाद बा, आंख मूंद के खा ला। खा खो। अरे मामा का सोच रहल बानी, खाई ना? ना तो भवानी के बुरा लग जाई, खाई ना खाई। अच्छा काफिल साले साहब। बाबूजी माई से बात करी ना? दुर्गेश्वरी तहरा के पता बा का? गांव में लोग तरह तरह के बात कर रहल बाड़े, कह रहल बाड़े कि एगो जवान लड़की के बिना ब्याह कैले घर में रखले बाड़े। हम तो कहते नहीं कि पंडित जी के बुला के शुभ मुहूर्त निकलवाई और जल्दी से ही दोनों को ब्याह कर दी। हे जीजा, हमरे रात में कोनो पंडित के जरूरत बा का? हमार ज्योतिषी कहता ए महीना में कोनो उत्तम मुहूर्त देखे बा शादी के। ना बनवारी तोहर जीजा सही कहता रहे, कोनो पंडित बुलवा के शादी का मुहूर्त निकलवावा। पर बहिन काल पंडित जी के बुलाला
भवानी के घर वालन के बोलाला, दोनों परिवार के सामने ए लोगन के शादी का मुहूर्त निकलवावल जाए। सुन लेला बनवारी, दीदी जिसे कहे तारी ना वैसे ही करा। का हाल चाल बा जजमान? अरे पंडित जी सब ठीक बा, रहुआ आ गए नी? अरे बार हाँ। पंडित जी, पंडित जी ऊ एक काम बा, तनी एहने सुनी ना। हाँ। ऊ जात पानी आप शेखर और भवानी के कुंडली देखे नू? हाँ। लेकिन मुहूर्त हमरा कहला के अनुसार निकलिए, समझे ताड़ा ना? ऊ गुण अवगुण मिलावे के ना, इशदिया तोड़े के पा। और अगर ऐसे ना भइल तो रहुआ समझ लेही, हमारा बहन के पास दक्षिणा के साथ साथ कनौवा। अरे जजमान रवा चिंता मत करी, वहाँ पूजा पाठ के सब तैयारी हो गई बा जजमान। हाँ। वहाँ बोलबाल हमार हुई, पर शब्द राउर होखी। बाह बाह, राधे राधे पंडित जी, राधे राधे, वाह वाह, राधे राधे, चली तब चली चली चली, दूध दही खीर तोरा सब चल चल, आओ 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 मार पंडित जी। का सोच रहल बानी पंडित जी? अरे जल्दी से मुहूर्त निकाली ना। अरे जीजा, पंडित जी बहुत अंतर्यामी बाड़ेन, केहू के कुंडली बिगा मतलब सुधार दे लेन। हाँ पंडित जी, देवी माता के नाम लेके कोनो शुभ मुहूर्त निकाल दी। हाँ निकाल दी। हाँ पंडित जी, का भइल पंडित जी? सब कुशल मंगल तो बा ना? अरे तनी छींक आ गई, इहे से तनी छींक लेनी है। शुभ समय में छींके के ना चाहिए, छींक बंद करी और जल्दी से शुभ मुहूर्त निकाली। निकाल तनी। वाह वाह, का कुंडली बा, ऐसन कुंडली हम अपना जीवन में कब्बो न देखले रहनी। ऐसन लागता जैसे दोनों के जोड़ी जन्मो जन्मो खातिर भइल बा। ये हमके का हो गई, ये हम का बोल रहल बानी? बिल्कुल श्री राम और सीता मैया जैसन जोड़ी बा। जय श्री राम। हमार ज्योतिष विद्या ई कहता, ई कन्या तोरा घर में रही तो तोरा घर के स्वर्ग बना दी। अरे पंडित, कुंड के बारे में बतावा। हे पंडित जी, जब कुंडली सारा सही बात, एगो शादी के शुभ मुहूर्त भी निकाल दी। हाँ निकाली, देखो तनी। जजमान, ई महीना के 28 तारीख के शुभ मुहूर्त बा। एही मुहूर्त में श्री राम और सीता जी के शादी भइल रहे। जय श्री राम। ए पंडित जी आशीर्वाद। चाचा जी, शुभ मुहूर्त तो निकल गइल बा, अब ये खुशी में सबके साथ में खाना खा ली। हाँ हाँ, आ चलल जाओ, खाना खा ली हल जाओ। हाँ। आई सब भेजी आई। तोहरा किया बोलाऊ ना राली, लंका तहन करे बदे और तई सुंदर कांड सुना देले, तोर देखब कैसे। अरे जजमान, हम तो काटा बरसावत रहनी, पता ना अपने से कहां से फूल बरसे लागल। तोर हम निकाल ले, ते बहुत श्राद्ध में पूरी खेले हो बेरे पंडितवा। अरे बहन टेंशन तू मत कर, ऐसन कुकुर के फुकला से ना कोनो हाथी आपर रास्ता ना बदल देला। ये हमार भविष्यवाणी कहता भाड़ में चल तोर भविष्यवाणी करते बात तो शेर और हाथी का करेले और काम सारा दलिद्र मतलब करे। मुहूर्त निकल गई बा और अगर ऐसे नहीं रहल ना
तब ब्याह में नागिन डांस करे खातिर तैयार हो जो। नहीं भाई, एकदम ना होते, जाने लू। जे गिरेला, उ भागेला, और जे घुटनुए के बल से चलेला, उ भागी, नानू, सिर्फ एक काम करा, भवानिया के तू मंदिर तक ले के आवा, बाकी काम हम कह दिए, ओकर फील्डिंग सजावले बानी। हाँ बहिन। बिटिया, हम सोचता नहीं कि माता रानी के दर्शन कर लेवल जाए, जिससे कि तोरा जीवन में कोनो तरह का कष्ट ना हो। हाँ दीदी, और हमनियो कोनो मुश्किल ना बा, मतलब चला राहु काल की शुरुआत हो। चला बहू के लेके चला, चला बहू एहने से। ओम ह्रीम क्लीम चमुंडाय नमः, ओम ह्रीम क्लीम चमुंडाय नमः, ओम ह्रीम क्लीम चमुंडाय नमः। बेटा, ये घोरी बाबा हुआ, इनके पास बहुत अद्भुत शक्ति होला, और इनकर भविष्यवाणी तो कभी गलत हो ही ना सकेला। चला ना तेरे बारे में कुछ पूछल जा। चला दीदी, चला चला। तेरा वचन न जाए खाली, ओम स्वाहा। बाबा प्रणाम। बाबा खुश रहा। ये हमार बहू बिया। बहू? हाँ। ये बहू कैसे हो सकेला, अभी तो रीति रिवाज से एकर ब्याह नहीं भइल। बाबा आप तो महाज्ञानी बानी, चमत्कारी बानी। बाबा और बताई ना हमरा पतो के बारे में। हवा तो हर हाथ देख के बतावत है। हाँ बेटा, जा जा जा। कन्या तो बहुत भाग्यशाली बा, लेकिन एकरा के अपन असली माई बाबू के प्यार ना मिलल हो, केहू दूसर एकर परवरिश कैले बा। बाबा, रउआ सच में बहुत ज्ञानी बानी, का रउआ बता सकेला कि हमार असली माई बाबू जी कहाँ बाड़े? बच्चा, ये तो हम नइखी बता सकत। हाँ, लेकिन एगो श्राप बा तोहरा जिंदगी में। श्राप? कैसा श्राप बाबा? जबरदस्त विधवा योग बा। और ये विधि के विधान बा। बाबा, ये विधवा योग जबरदस्त विधवा योग बा, और केहू मिटा ना सकेला। बाबा, कान आप सना बकत बानी आप। अरे हमार पतो लाखों में एक बिया, और जब से ही हमरा घर में आयल बिया ना, हमार घर मंदिर हो गेल बा, मंदिर। तोहरा के विश्वास नहीं के हमरा बात पे? ताई लड़की के 21 दिन अपना घर में रखते देख, तहर लड़का के मृत्यु निश्चित बा। बाबा, बाबा कौन तू उपाय होगी? ये विधाता के लिखल विधान बा, और ये विधान केहू मिटा ना सकेला। ये होई तो होई। बाबा, अगर हमके पहले पता होत कि एक्टिंग कैले से इतना पैसा मिलेला, तो हम काहे के भीख मांगती। ए घोड़ी, ए घोड़ी, ए घोड़ी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। कारे, तो के भगवान के नाम पे भी झूठ बोले में शर्म नहीं खियावत? कैसन झूठ? भगवान तो पैसा होला, आई भगवान कैसन? पत्थर के भगवान तो मंदिर में छुप के बैठल बाड़े, ओकरा से कौन डर बा? अगर तोरा जैसन इंसानी धरती पे रहल ना, तो हर भक्तन के भगवान पर से विश्वास उठ जाई। ताई लड़की के
21 दिन अपना घर में रख के देख, तहर लड़का के मृत्यु निश्चित बा, ताई लड़की के 21 दिन अपना घर में रख के देख, तहर लड़का के मृत्यु निश्चित बा। बहन मान गईलू ना अपना भाई के कमीना पंथी वाला दिमाग, जीत के जश्न की तैयारी करा। अब ही नाम हुआ। अभी भवानी के मन में अपने पति के मौत का खौफ पैदा हो गए थे। अरे बहन वो सब चिंता छोड़ दी ना, हम सब सेट के रख ले बने। चल सुनी जी। हाँ हमरा के रवा से कुछ बात करे के बा। हमके पता बा कि तू हमसे का कहे आइल बड़ू का। हाँ ये ना कि शादी के बाद हमने के हनीमून पे कहाँ जाइल जाई। ना जी बात कुछ और बा। का बात बा? बात दरअसल अरे अब शुरू होगी मौत के खौफ। रुका हम लाइट के काबिल देख क्या बतानी, फिर हम दोनों जने बात कर जाई ठीक है। खुलल बा बेटा, बेटा ये सब कैसे भइल बताना पापा। वो शायद हमसे भी के वार कटल रहे। हे भगवान ये हमरा भांजे के का हो गइल बा। हे भगवान बताओ। हे बहन हमरा के लागत तू अघोरिया के भविष्यवाणी की शुरुआत हो गइल बा। शुरुआत कैसे शुरुआत? अरे रुवा देखते न बानी शेखर के हालत। ले जा एकरा के ओकरा कमरा में। चलो बेटा ले जा। अच्छा। चल अब दुल्हन तू शेखर के ओकरा कमरा में छोड़ के आवा, कुछ जरूरी बात करे के बा। बहन तीर एकदम निशाने पे लगल बा। अब देखिए इस शेखर के बचावे खातिर भवनिया अपन शादी शुदा जिंदगी के बलिदान दे दी। ना बिल्कुल ना बरवारी एकदम ना, का बकवास करता रहता है। अरे हम भवानी के वचन दे चुकल बनी कि ओकर बियाह हम अपना बेटा से कराए, का बात करता रहे। अरे तो का तू अपने वचन निभावे खातिर अपने बेटा के आगे झोंक देबू। अरे हमरा कुछ समझ में नहीं आवत कि हम का करी, हमार खुद मन बहुत घबराता, नहीं समझ पाओ कि का करी। दीदी अच्छा एक बात बता, अगर भवानी के हमरे बेटा से तनखो प्यार हो ओकर फिकर हो तू ई बात के मान के यहाँ से चल जात ना रे। वो का करते यहाँ ओके नाना रह जाए हम कैसे गए, बहुत प्यार करे ले वो माझे। हाँ बेटा माझे हमरा बेटा के बचा ला बिटिया, हमरा बेटा के जिंदगी का भीख देता हमरा के। माँ जी का रहुआ हमके बाप के भागीदार बना रहल बानी। माँ जी नहीं बेटा हम बहुत डरायल बानी, एगो मतारी अपने बेटा के जिंदगी का भीख मांगती है बेटिया, देता अपने बेटा के बचाला बेटिया, बचाला बेटिया।
भवानी बिटिया, तू ऐसे कैसे कोनो अघोरी के बात मान के इतना बड़का फैसला कर लेलू? मारे वाली भी मैया और बचावे वाली भी मैया, हम तो यह कहा बिटिया कि तू अपना ससुराल लौट जाए। तू ना पंडित जी, हम अपना स्वार्थ खातिर अपना पति की जिंदगी दाव पे ना लगा सके नहीं। हमरा बिटिया खनी तुवाड़ू। तहरे खनी एगो बच्ची हमरा रहे, लेकिन परिस्थिति हमरा से हमरा बच्ची के छीन लेलस। ससुराल ना सही त नैहर लौट जा तू। नहीं खिंच आ सकत, कहल जाला जब एगो औरत के डोली ओकर मायके से निकले ले तो ओकर बाद ओकर मायका पराया हो जाला। अब ना ही तो हम अपन ससुराल जा सकीले और ना ही अपन मायके। बेटिया हाँ, जेकर केहू ना होला नू उनकर ही माता रानी होली, आ जब तू इनका शरण में आइए गेल बाड़ू बाबू तो यही जा रही है। माता रानी तहरा खातिर जरूर कुछ अच्छा सोच ले हुई है। आ तू देखी हा, माता रानी के कृपा से तहरा जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन पंडित जी, लेकिन ओकिन कुछ ना बिटिया। हाँ, माता रानी तहरा के जानबूझ के अपना शरण में बुलावले बाड़ी। अब अपना जीवन के सारा फैसला थावे वाली मैया पे छोड़ दा, सब ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो तू देख के हमके भेजवा दिया। ठीक ठीक हाँ। माई भवानी कहाँ बाड़ी? पूरा घर में हम ढूंढ लेनी पर वो दिखात नहीं की। हम फोन भी कहीं नहीं, उनका फोन भी सुचाव आ रहा। अच्छा, सवेरे से तो हम लोग भी ना दिखले बेटा, हमरो की ना पता कहाँ चल गई नी। माई भवानी सवेरे से दिखनी ना घर में ना, और वो सब हमके बतौनी भी ना। अरे भगना, तुहार तबियत खराब रहल ना। हाँ। तो हम और सोचनी का परेशान करी की है कि ना। हमरा समझ में नहीं ख्यावत की उ बिना केहू से कुछ बतौले ऐसे कैसे चल गई। अरे जीजा, आज तक केहू भरोसा बा? पता न केकरे मन में का चलता का ना चलता। मम्मा का बकवास कर रहल बाड़ा? हाँ, तुहार दिमाग खराब बका। अरे यह तो हो सकेला कि वो कोनो काम से अपने घर चल गई हो। हाँ। रुआ लोग उनके घर पे फोन कही नहीं का? अरे भगना, वो लोग के का परेशान करी। मामा, सवेरे से भवानी घर पे दिखात नहीं की और रुआ परेशानी के बात कर रहा बानी। उनके घरे हम फोन करता नहीं। प्रणाम प्रणाम समझ बाबूजी। अरे नमस्ते समझ, खुश रहा। पकड़ा बाबूजी, भवानी राहुल घरे गए नहीं का? भवानी नहीं खे, भवानी तो एजे हो खिनू। हम तो ई पेपर पर भवानी से साइन करा व्याल रहनी हा, भवानी यहाँ नहीं खे तो कहाँ गए? बाबूजी हमके लागल कि उरउए के घरे गई बानी। हाँ। बेटा हो सकेला कि हम यहाँ आनी हा, भवानी वहाँ घरे पहुँच गई हो खे। तू रुका, हम घरे फोन करके देखा था नहीं। हाँ, हाँ, बाबू जी शायद ओजे हुई। हेलो। हेलो शारदा। हाँ भवानी ओजा पहुँचल बिया का? ना तो का। अच्छा अच्छा ठीक बा, तू रुका हम पहुँचता नहीं। यहाँ पे शेखर बेटा, भवानी ओजा नहीं खे। भवानी ओजा नहीं खी तो भवानी कहाँ गई होगी? हो सकेला कि हाँ ठीक हाँ बजारे गई हो, ओकर सहेली के फोन लगा के। अच्छा तो ठीक बा, हम गांव के आसपास में ढूंढ के आवत आनी। हाँ हाँ, तो हमारे साथ चला, हमनी दोनों गांव में चल के भवानी के ढूंढ ले हल जाए बेटा। हाँ ठीक बा, चल। बेटा ये लेकी के दिखला? नहीं की दिखला। भैया भैया ये दिखला कहीं? Oh,
विदाई हो तो हर काम हो गए। हमार पैसा तैयार रखिए, आवत बाने। इतना भी का जल्दी बा, हमरे तक मौत के खबर पहुंच जाई तो तोहरे तक पैसा भी पहुंच जाए। ठीक बा। हमार पवन के हक केहू ना मार सके, चाहे वो भवानी होखे चाहे उनका लाश ना। बिटिया चला, तू घर चला। कहाँ भेल पंडित जी? चला तोरा घर चले। कहा कौन घर पंडित जी? अब हमार कौनो घर नहीं की। तोरा बाबूजी के घर है बिटिया, तोरा उनके याद ना आवेला? उ तो आवेला, पर हम उनके और दुख नहीं के पहुंचावल चाहत ना। बिटिया अब उनका के केहू दुख ना पहुंचा सकेला। का भल पंडित जी, हमार बाबूजी ठीक तो बाड़े ना? बिटिया तोहर बाबूजी ये दुनिया में ना रहले। ना पंडित जी, अपने आप के संभाला भवानी। जान होके के रहल तवन तो हो गई, पर तू ये ठीक ना कहलू। अरे वो पाखंडी की कहला पर तू हमके और अपने परिवार के छोड़ के चल गई लू? हाँ भवानी बेटा, शेखर ठीक कह रहल बड़े। अरे जीवन और मरण तो सब भगवान के हाथ में होला। अरे ऐसे बात ना बजीजा जी, हमरे जैसे बहुत ज्योतिष बाड़े, लेकिन केहू के भविष्यवाणी कबो गलत भइल ना भइल ना। अरे तू तो चुप ही रहा, अगर इतना भविष्यवाणी जानत रहता तहिया हिया बैठ के पड़ल रहता। हाँ भवानी, तहार बाबूजी हमेशा यह चाहत रहले कि जहाँ तहार शादी होके वहाँ तो खूब खुश रहा। अब देखा ना, शेखर जैसन प्यार करे वाला पति मिलल बा, अमाई के रूप जैसन तोहरा सास मिलल बाड़ी, और बाबूजी जैसन तोहार ससुर बाड़े। हम तो यह कहब बेटा कि तू अपन ससुराल चल जा, लौट जा वहां, काहे कि अब उहे तोहार घर बा। हाँ बिटिया, तू शेखर के साथ ही घरे चल जा, ना तो तोर बाबूजी के आत्मा की शांति न मिली। पर माई भवानी, आज भी तू ढोंगी बाबा के बात पे विश्वास करता रू? ओकरा के अधिकार दे ले बा? वो कौन होला जिंदगी और मौत के फैसला करे वाला? हम एक बात बता देता नहीं, अगर वो हमरा के मिल जाए ना तो ओकरा हड्डी के चूरमा बना के हम ओकरा से मंजन करब, ये हमार वादा बा। पर वर कुछ ना। देखा भवानी, अगर तू एजा से अपने घरे ना चलबू तम हो एजे रहब। पवन चल के हमके एगो कमरा दे दा,
हाँ जीजा जी, रहुआ हमरे कमरा में रहब, अभी आप रहुआ हमरे साथे चली। और बाबूजी, हमार सब सामान एहिजा भिजवा दी। अरे हाँ, लेकिन बेटा हो। लेकिन वेकिन कुछ ना माई, भवानी हमार जिंदगी भी है, और जब भवानी वही जाना चाहिए तो हम जाके का करब। पवन चला चल के हम क्या अपन कमरा दिखा दा। ठीक बा, अच्छा चली। चला। अरे बोली ना बाबूजी। शिखर बेटा, हमने उनका पूरा चेकअप कर लिया है, पर डॉक्टर साहब, हमार बेटा ठीक तो बा ना? देखिए, हिम्मत रखिए, उनको जो भी होके डॉक्टर साहब, साफ साफ बताए, हमार बेटा ठीक तो हो जाए ना? वो शेखर को ब्रेन कैंसर है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे ना हो सकेला, द्रवा कह दी, ये सब झूठ बा। देखिए, आप हिम्मत से काम लीजिए, हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन बचने के चांसेस ना के बराबर है। देख ला, हम रघुआ लोग से कात रही ना कि वो अघोरी के भविष्यवाणी कबाऊ गलत ना हो सके, लेकिन तू लोग ओकरा के मजाक उड़ा। अरे तू क्या बकवास कर रहा है बड़ा? सही बकवास कर रहा है बाबन मारी, लोग कुछ दिखे रहा के ये सब कुछ इकरा वजह से होता, सब कुछ इकरा वजह से सजा मिलता आज शेखर के, ये शेखर खातिर भवानी अशुभ बाजी जा अशुभ बा। दुर्गेश्वरी जी, ये रुआ का कहत बानी? सही बात करता नहीं, औलाद बाहर रुआ के पास तो जेकर कोनो औलाद ना हो के कोनो हक ना है पे बात करे कर, और हमार बात कान खोल के सुन नहीं सबे। अगर हमरा शिखर के कुछ भी भयल ना तो हम भवानी के छोड़ब ना, और ऐसे ने मनहूस औरत के हम अपन पता कबो ना बना सकीला। सबे ना बना सकीला, कोई से काम ला। माना ताने कि थावे वाली माई की कृपा से आपन घर चलत आ रहल बा, लेकिन बेटा ये मंदिर भी तहार घर है ना, तू अपना सुहाग के बचावा और दुर्गेश्वरी जी के एहसास दिलावा कि उनकर जिद गलत रहे, वो तुहार विश्वास कर लिया। हाँ भवानी,
नवरात्रा के व्रत अपन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से रहे ना, तब माता रानी सारा मनोकामना पूर्ण कर दी है। दीदी चिंता मत कर, हमार ज्योतिष विद्या ही कहा था ई मनहूस भवनिया ई घर के दहलीज से अगर बाहर कह देबू तो शेखर के कभू बाल बाका ना हो सकेला। जोन भी हो बनवारी, बड़ा मन खपता था। दीदी बन... रुक, वही रुक। अब का चाही, अब का लेबू, अब पेट ना भरल, भाग यहाँ से। माजी रवा हमार बात तो सुन ली, हमरा के कुछ नहीं सुने के तोरा से, कुछ नहीं सुने के काई नहीं के समझा। देखा हमने की चाहत की तोहार मनहूस कदम है घर में पड़े, बुझाई हमरे बेटा के जिंदगी बख्शता, हमरे बेटा के जिंदगी बख्शता, तू जा यहाँ से। माजी माजी हम यहाँ कुछ लेवे ना, बाकी उनकर जिंदगी बचावे आयल बानी, हम यहाँ रह के उनकर सलामती खातिर 9 दिन के उपवास रखब, हमार यकीन करी। माँ जी हाँ? तो जल्दी ही घर वापस आ जाइए। है दीदी माना एकर बात मत सुना, इस 7:30 पिया जौना कुंडली पे बैठ जाए ओकर कुंडली बिगड़ जाए, हम तो कहा था एकर निकाल फेंक ना, निकाल माँ जी, और सुन ये घर का ये पूरे गांव में तोरा के ठाव लेवे ना दे, बुझाइल, चल भाग यहाँ से, भाग। ठीक है माँ जी, अरे वो भले ही अपने घर के दरवाजा बंद कर देले बानी, पर माता रानी के दरवाजा हमरा खातिर हमेशा खुलल बा, मंदिर में माता रानी के सामने 9 दिन के उपवास रखब, उनका मौत के मुंह से छीन के ले आई। है दीदी, दीदी, अरे काली नागिन या काला जादू सिकले बा, निकाल फेंका एक रख। अरे ते हमरा के बेवकूफ बनाओ तरे, हमरा के, भाग यहाँ से, चल निकल। कल नहीं कहेगी। बनवारी जी, बंद कर दरवाजा। बंद करा थे। इसका हम 3,000 दे पाएंगे, लेकिन जब हम ही खरीद ले राली तभी 6,000 के रहे। फिलहाल इसका 3,000 मिलेगा, आपको समझ में आए तो दीजिए, नहीं तो और दुकान देखिए। ठीक बा, दे दी। ये लीजिए। धन्यवाद। नमस्ते। रास्ता में बेहोश हो गेल रहलू हा, एही से हम तह के लेके यहाँ आ गए नी। माँ जी हमके जाए के बा, उ चोर हमार पैसा लेके भाग गई, अब हम अपन पति खातिर उपवास कैसे रखी। का भेल बेटा, तू इतना परेशान काहे लागत बाड़ू, आराम करा, सब ठीक हो जाई। ना माँ जी, हमके जाए के पड़ी, हमके पूजा खातिर पैसा जुटावे के बा, हमके जाए के पड़ी। आखिर तू काहे इतना परेशान बाड़ू, हम के अपन माई मान के अपन बात बता दा।
कि तू अपन पति खातिर इतना सोच लू, लेकिन तोहके परेशान होके के जरूरत नहीं के और ना कहीं जाए के जरूरत बा। ईला हमरे पास कुछ पैसा पड़ल बा, रख ला। इतने में अगर तहार हो जाए तो तू एके रख ला। ना माँ जी, हम रवा से पैसे ना ले सकेनी, हमके खुद जुटावे के होखी, तबे हमार व्रत पूरा होखी। लेकिन बेटा, ना माँ जी, रवा ने की चाहत कि हमार व्रत पूरा होखी, हम अपन पति की जान बचा पाई, हमके जाए दी माँ जी, हमके विश्वास बा हम अपन पति के मौत से बचा ले, हमके जाए दी माँ जी। नारद मुनि। हाँ माता। रउआ यहाँ। माता, हम आवल ना चाहत रहनी, परंतु आवे के पड़ गई। रउआ ई भक्त के भक्ति और श्रद्धा देख के हम स्वर्ग लोक में ना ही रुक पौनी। माते क्षमा चाहतानी, एगो प्रश्न मन में उत्पन्न हो रहल बा। कहीं नारद मुनि। माते, ई अपने परम भक्त के कितना परीक्षा लेल जाए? हमें कर आस्था और विश्वास के परीक्षा ले रहल बानी। बाकी एकरे साथे जवन भी हो रहल बा उ नियति के लिखल रहल, लेकिन अब जवन भी होई उ हम निश्चित करब। पाप करे पैसा मिला ला। हाँ, ला ला आ, खा 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 ना, ना करी।
धावे वाली माता, अब हमार कितना परीक्षा ली, हमार संसार उजड़ गए। धावे वाली माता, हमार बेटी के संसार उजड़े से बचा ली। चाची रोवा मत, चाची थावे वाली माई पर भरोसा रख। भवानी आज तक केहू को बुरा नहीं कहले, यही से ओकर बुरा नहीं हो सकत। चाची पवन ठीके कहा था, हमनी के धैर्य रखे के चाहिए। शारदा, शारदा, दीदी ई का हो गई? अरे ई का भाई? माई शारदा हमके माफ कर दा, हम चार गुनेगार है। जिंदगी एकदम बर्बाद कर देनी, खराब कर देनी। हम ओके जिंदगी में कभी खुश ना रह देनी, कभी सुखी ना होके दे दी। ओकर जीवन में काटा बोते रानी, काटा बोते रानी। तावे वाली माई ओके सजा दे देलस। एकदम सही कहले बिया, एकदम थावे वाली मैया सही कहले बिया। तोरे जैसन लालची औरत के एकरा से भी बदतर सजा मिले के चाहिए। अरे हमार लक्ष्मण जैसन भाई के तुम हुआ देलू, का मिल गए ली सब, का मिल गए तोरा के बताओ। निकल जो यहाँ से, चल ही घर से निकल, तोरी घर में कोनो जगह नहीं के, चल। माँ कब दी हम कहाँ जाए? जहाँ भी जो, जहन्नुम में जो, लेकिन तोरी घर में कोनो जगह नहीं के। बेटा रुक जाइए दीदी। दुल्हन जाए देख रखे, मत रोका एक पापी नहीं है, जाए दा आजे के, जाए दा। दीदी दीदी जोन समय अब बीत गए, वापस तो ना आए। हमार तो संसार उजड़ गए, हमने की जान कि तोहार जिंदगी भी बर्बाद हो जाए। मत रखा दुल्हन, बिल्कुल मत रोका, जाए दा, मरे दा, जाए दा ये घर से, जाए दा, ये घर से दूर चल जाए। हमरा के ऐसा औरत ना चाहिए। भाई साहब, हम रुआ आगे हाथ जोड़े पानी। अगर रुआ के दिल में उनका रखाते थोड़ा भी इज्जत होई, तो दीदी के रोक ली, मत जाए दी, रोक ली भाई साहब। दीदी, ना दीदी, मत रो, मत रो। दीदी,
हमरा पे आरोप मत लगाई मालकिन, एकर सारा जिम्मेवार बनवारी बाड़े। ना भाई जी, एकर बात मत बनिया, सब झूठ बोल रहा बा। ना चुप रहा बनवारी। दुर्गा प्रसाद, तू ये बतावा कि 22 साल से तू कहाँ रहला? बताओ धनी मालिक, हमरा पता चल रहा है कि फैक्ट्री में कुछ लोग चोरी कर रहा बा। ओह दरमियान हम एकरा के चोरी करते हम पकड़ लेनी और ये हमरा से माफी मांगे लागल। हमरा के यकीन दिलौलस कि जवन भी फैक्ट्री के पैसा और सामान बा हम फैक्ट्री के अकाउंट में जमा कर दे। लेकिन प्रताप बाबू बढ़िया आदमी बाड़न, बनवरिया खराब बा ना। ते सही कहा तारे, हम अच्छा इंसान नहीं थी, हम बहुत बुरा इंसान बानी और हमार समय भी बहुत सही चला था। ए चुपचाप जो, अब ही प्रताप बाबू के तोरा बारे में ना पता चला। अगर काल ते पैसा ना जमा कैले तो हम तोर काला चिट्टा खोल दे। हाय पंचंगवा जवन बा ना, ई कहा था कि हमार राहु केतु जवन बा एकदम सही जगह पे बैठल बा, समझ है? चल यहाँ से निकल, ना तो धक्का मार के निकाल दे। और तो भविष्य बढ़िया सुनला, तो इस समय 7:30 ही चल रहा बा। सुमित्रा, हे दुर्गा, अब तो तोर और दशा खराब चली। ना बहन, ई सब मन गढ़ंत कहानी बता रहा बा। हमरा आग के सामने अपना पत्नी के मर ले पिया। बनवारी, इंसान झूठ बोल सकेला, बाकी ओकर आंख ना। बहिन, तू तो हमरा पर विश्वास कर। मत कह अपना गंदी जुबान से हमरा के बहिन। अरे हम तोरा के अपन रक्षक समझत रहली और ते भक्षक निकले, हमरे पूरे खानदान के बर्बाद करता रहते, हमरे काता बेटा के पीछे पड़ल बड़े थे। एकदम आपके सामने से निकल जो बनवारी, नहीं तो बहुत बुरा हो जाए। चल भाग यहाँ से। चल निकल। दुर्गा प्रसाद, एक बात बतावा, पिछले 22 साल में कबो अपन बेटी के ढूंढे के कोशिश ना कईला? कहनी साहब, बहुत कोशिश कहनी, लेकिन शायद मैया हमार परीक्षा ले रहल बाड़ी, लेकिन हमरा थावे वाली मैया पर पूरा भरोसा बा, एक दिन हमरा बेटी से जरूर मिलवाई है। भाई साहब, खत्म हो गई। जो उन बेटी खातिर रहुआ इतना साल से तड़प रहल बानी, उहे बेटी रहुआ खातिर अब तड़पता। कहाँ बिया हमार बेटी? इहा राउर बेटी, जिकरा खातिर रहुआ 22 साल से तड़प रहल बानी, और बिटिया इहा ही तोहार बाबूजी।
बेटी। नारायण नारायण नारायण। वाह वाह माते वाह। भवानी के पिता के ओकरा से छीन लेनी और एगो दूसर पिता उत्पन्न कर देनी। जौन पिता 24 साल से अपना बेटी के हर जगह ही खोज रहा बा। वाह माते राउर लीला परंपार बा। नारद मुनि जी इस सब विधि के विधान हा। साहब शेखर अभी खतरे से बाहर है। भगवान हमेशा विज्ञान से आगे रहते हैं। ऐसा चमत्कार न हमने अपनी लाइफ में कभी देखा है न कभी सुना है। बोलते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआ काम करती है। हमें तो लगता है कि भगवान के चमत्कार का असर है। डॉक्टर साहब हम अपन बेटा से मिल सकीले? हाँ हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं और अभी मिल सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखले दुर्गेश्वरी जेकरा के तू आपन समझत रहलू हा वो आस्तीन के सांप निकलल और जेकरा के तू अपन दुश्मन समझत रहलू हा ओकरे दुआ से आज तहर बेटा के जान बच गई। बेटा शेखर अब खतरा से बाहर बा। जय थावे वाली बाई। भवानी हमरा के माफ कर था। हम आपन और पराया में फर्क नहीं समझ पाऊंगी।
अपन झूठी जीत और अंधविश्वास के चलते तोरा के बहुत तकलीफ दिले बनी। माफ कर दे रहुआ, माफ कर दा बिटिया। ना माँ जी, जब बच्चा गलत रास्ता पे जाले तो माँ बाप ही उनका सही रास्ता पे लावे ले। ऐसे बच्चन की जिम्मेदारी होला कि माँ बाप गलत रास्ता पे जाए तो उनके सही रास्ता दिखावे। हमके हमरे माता रानी पे पूरा विश्वास रहल। हमके पता रहल कि वो कबो अपने भक्त लोग के साथ बुरा ना होके दिहन। आज तो ये बात के साबित कर देलू कि अगर पत्नी चाहे ना तो आपन सुहाग भगवान से लड़के लेके आ सके। हम माता रानी के सामने तोरा के हरावे को चुनौती देले रानी। बाकी शायद भूल गेल रानी कि जिकरे सर पे माता रानी का खुद हाथ हो ओके कोई कैसे हरा सकेला। माफ करता, चल अस्पताल चल। जय थावे वाली मैया। संधि जी चले आ बेटा। राहुल के महिमा अपरंपार है। आज ही सिद्ध कह दिया कि जौन भक्त सच्ची आस्था और निष्ठा से राहुल प्रार्थना करेला ओपर कोनो आचना वेदिनी ओकर हर मनोकामना पूरा करेनी। कहले रहसो मन जरा जाना तया नर्थ हो जाए सक करना भक्ति पातू शक्ति रूठ हो जाए। राजा के जिद पे रहसु माहे के ध्यान लगैले भक्ति के लाज बचावे खातिर माए के गुहरैले। कमरु का माख्या से चल के माए कलकत्ता में आईली रहसु से कही के चेतावनी राजा के हो धरवली। पटना में आ गईली माए रूप विकराल बनवली हो अवते था में रहसु के सर चीर के हाथ दिखवली हो। नास हो गईले राज पाठे और राजा के राज सहिया हो महिमा अपार तो हर ठावे